हीमोग्लोबिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। खून को कभी कभी हम बोलते हैं आपकी हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है। खून का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, पूरे बॉडी में पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना वापस। और इसके लिए जो इसके अंदर जो मटेरियल है जो ये काम करता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। आयरन और बहुत सारे प्रोटीन से बनता है ये हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन हमारे खून में अगर कम हो जाए तो नेचुरली वो ऑक्सीजन ले जाना, खाने को ले जाना, वो सारी चीज़ों में कमी पड़ जाएगी। तो हीमोग्लोबिन एक समझ लो एक केमिकल है जिसमें दो तीन चीज़ मिला हुआ है, उसमें आयरन मिला हुआ है, उसमें प्रोटीन मिला हुआ है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्लड में। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होनी चाहिए बनने के लिए। सबसे ज़्यादा मटेरियल जो ज़रूरत है वो होता है आयरन और बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, इस तरह की चीज़ें इसमें ज़रूरत है। बनता कहाँ पे हीमोग्लोबिन, बोन मैरो में, जो हमारी हड्डियाँ उसके अंदर मैरो होता है उसमें हीमोग्लोबिन बनती है। नॉर्मल लेवल कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल यूजली हम लोग मानते हैं 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए। लेडीज़ में थोड़ा कम होता है, जेंट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 12 से कम हो लेडीज़ में और 13 से कम हो जेंट्स में तो इसको कम माना जाता है। आजकल हमारे देश में तो हमने देखा गरीबों में 7-8 हीमोग्लोबिन बन जाती है, तो बहुत कम है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो तकलीफ क्या होगी, कमजोरी पैदा होगा, लगेगा मज़ा नहीं आ रहा है, फेटीग मतलब थक जाता है बहुत कमी में। तो फेटीग हो जाना, कमजोरी हो जाना, कभी कभी सांस फूल जाना, मेहनत करने का ताकत ना होना, ये हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण है। एक बार हीमोग्लोबिन खून में बनता है तो 3 महीने तक ये चलती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है, स्प्लीन में जाके उसको आयरन को निकाल लिया जाता है, बॉडी वो आयरन को फिर यूज़ भी कर लेता है। अब ये हो गया कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होती है, कैसे चेक करेंगे हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल, यहाँ पे आँख को ऐसे करके खींच के डॉक्टर लोग देखते हैं, आपने देखा है, अगर ये आँख को नीचे करेंगे जो आई लिड्स के अंदर का पोर्शन है वो रेडिश ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन बहुत है, अगर वो एकदम वाइट हो गया तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कैसे हीमोग्लोबिन, ऐसे ही चेक करके हम लोग बोल सकते हैं इतने के आसपास होगा। हीमोग्लोबिन चेक करना आजकल बहुत सरल है, एक बूंद ब्लड लो उसमें हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है। आप ब्लड टेस्ट कराइए, 100 रुपये भी नहीं लगता, हीमोग्लोबिन कितना है बता देगा। तो अगर आपको कमजोरी है तो ज़रूर आप हीमोग्लोबिन चेक कराइए। अब हीमोग्लोबिन कम कैसे होगा, एक तो खाने की मटेरियल सप्लाई नहीं दिया आपने, आयरन की सप्लाई नहीं दी, और खाना ठीक से नहीं मिला, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं मिली, तो उसमें हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। वैसे एक बार बता दूं, मीट में हीमोग्लोबिन होता है, बट हम लोग चाहते हैं मीट में कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए मीट वगैरह को अवॉइड किया जाए। तो हीमोग्लोबिन वेजिटेरियन सोर्सेज से लेना होगा, तो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन मिलता है पत्तेदार सब्जियों में, तो पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाइए। अच्छा, दालों में बहुत हीमोग्लोबिन मिलता है, सोयाबीन में बहुत हीमोग्लोबिन मिलता है, और ग्रेन्स में जो अनाज होती है, जो आटा है, चावल है, इसमें भी हीमोग्लोबिन बनता है, इसका जो छिलके हैं इसमें बहुत हीमोग्लोबिन होता है, तो ये आप ज़रूर लीजिए। और अगर फ्रूट्स में कोई हीमोग्लोबिन बोलना चाहे, भाई कौन सा खाना ज़्यादा खाएं, लोग पूछते हैं सर कौन सा ज़्यादा खाएं हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है हम लोग का एप्पल और अनार जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी होती है। एप्पल को काट के देखेंगे एकदम पूरा लाल हो जाता है थोड़ी देर बाद, आधा घंटा छोड़ दीजिए, एक घंटा छोड़ दीजिए, लाल हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन बहुत होता है। और खजूर में हीमोग्लोबिन बहुत होता है, खजूर बहुत खिलाना चाहिए हीमोग्लोबिन जिसकी कम है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, तो हीमोग्लोबिन के टैबलेट्स आजकल बाजार में मिलता है, बहुत सस्ते होते हैं, 1 रुपये में एक टैबलेट मिल जाता है, वो एक ले लिया वीक में 3-4 बार ले लिया तो बहुत है। तो एक तो हमारी खाने में कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम बनता है, एक हमारे बोन मैरो में डिफेक्ट हो बीमारी की वजह से हीमोग्लोबिन कम बनता है, ये भी पॉसिबल है। एक तीसरा होता है किडनी खराब हो जाए तो भी हमारी हीमोग्लोबिन बनती नहीं है, किडनी में एक हीमोग्लोबिन बनाने की केमिकल निकलती है जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, किडनी खराब हो जाए तो हमारी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाती है। और कोई ब्लीडिंग हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम होता है, पीरियड्स के वक्त लेडीज़ लोग बहुत हीमोग्लोबिन को लूज़ करता है क्योंकि ब्लड निकल जाती है हर महीने, तो लेडीज़ को हम लोग अलग से हीमोग्लोबिन का सप्लीमेंट देने बोलते हैं। कुछ कैंसर के वक्त भी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि कैंसर सेल्स खा जाते हैं हीमोग्लोबिन को बहुत, और कोई इन्फेक्शन के वक्त भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है।
अब ये होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए इमरजेंसी में कभी एकदम ही हीमोग्लोबिन कम हो जाए, 6-7 आ जाए, तब तो हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन दे दो। और अगर आपके पास टाइम है तो आयरन की गोली लो, आयरन की इंजेक्शन भी मिलती है वो लिया जाए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दो, तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बनने लगता है। ब्लड डोनेट करते हैं जो लोग, उनका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बनता है क्योंकि बोन मैरो उनका एक्टिव हो जाता है। तो हर 2-3 महीने में कोई ब्लड देने लगे तो हीमोग्लोबिन बहुत स्पीड से मेकअप कर सकता है। पर जिनकी हीमोग्लोबिन बहुत कम है उनको ब्लड देने से ही हम लोग मना कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी खून में कम है और खून दे दिया तो कैसे होगा। तो हीमोग्लोबिन आप कोशिश करिए 12-13 से ऊपर रखें, 13 से ऊपर रखेंगे तो आपकी बॉडी में वाइटलिटी रहेगा, एनर्जी बहुत रहेगा। तो हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवाएं, और अगर कम है तो इसको बढ़ाने का बंदोबस्त करिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए, और ये हर आदमी को जानकारी में होनी चाहिए। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ जो एक ऐसा काम करता है कि बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी बिना हार्ट के इलाज करते हैं। बोलते हैं हार्ट अटैक होता कब है, जब हम गलत तरीके से जीते हैं। तो हम लाइफस्टाइल बदल के हार्ट की बीमार लोगों को ठीक करते हैं, उनको बिना काटे उनकी बिना ऑपरेशन के हार्ट की बीमारी को ठीक करते हैं। तो आपको एजुकेट करने का काम भी हम करते हैं, हेल्थ के बारे में एजुकेशन हर आदमी को होना चाहिए। मेरा मोटो है आम आदमी को हेल्थ के बारे में, हार्ट के बारे में सिखाना। तो आज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जबरदस्ती कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन नई इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पूरे ज़िंदगी भर काम की होगी। थैंक यू सो मच।